हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी कि खेल चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चन खेल चिकित्सा विज्ञान का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिजिकल एजुकेशन कंपिटेटिव एग्जाम से चाहे टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो चाहे मध्य प्रदेश टीटी हो, सभी के लिए बेस्ट तैयारी मेरे चैनल पे होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी थ्योरी वाले वीडियोस को आपको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सभी वीडियोज आपको मिलेंगे, जिससे आपको थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज लगाना आसान हो जाएगा। और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के प्रैक्टिस भी दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, खेल में चोट लगने के मुख्य कारण हैं। तो इसके मुख्य कारण हैं खेल में चोट लगने के कि खिलाड़ी की कमजोर शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गर्माना यानी कि वार्मिंग अप न करना खेल खेलने से पहले, और खिलाड़ी की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति एक खेल में चोट लगने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, अस्थि भंग के लक्षण हैं। तो अस्थि भंग यानी जो फ्रैक्चर हो जाता है, अस्थियां टूट जाती हैं, उसके क्या लक्षण हैं कि हम अपने से अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके लक्षण हैं असहनीय पीड़ा, सूजन तथा विरूपता। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सबसे पहले सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा किया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन का क्या अर्थ है। पुनर्वास यानी कि पुनः वास करना, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः वास करना, यानी कि जब खेल में चोट लग जाता है तो पुनः पहले वाले स्थिति में आना ही पुनर्वास होता है, यानी कि खिलाड़ी को खेल मैदान पर वापसी या पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी ही पुनर्वास का अर्थ होता है। पुनर्वास के बारे में डिटेल में जानने के लिए पुनर्वास वाले वीडियो जाके देखिए, थ्योरी सेशन वाले। नेक्स्ट है, पुनर्वास का क्षेत्र है। तो किस किस विधि से पुनर्वास, यहाँ पे आपका पुनर्वास का क्षेत्र है मेडिकल पुनर्वास, वेकेशनल पुनर्वास तथा मोम की सिकाई। नेक्स्ट है, चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है। तो जैसे कि हम कई प्रकार के साधन करते हैं, जैसे कि मालिश, ठंडा व गर्म सेक तथा मोम की सिकाई आदि आदि क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि पुनर्वास के लिए तीन विधियाँ होती हैं, एक है करेक्टिव एक्सरसाइज और दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी कि उत्साह दे करके क्लैपिंग कर करके उत्साह बढ़ाना, और तीसरा होता है चिकित्सा विधियाँ। ये तीन प्रकार ही होते हैं और इन तीनों प्रकार के बारे में मैंने डिटेल में बताया है थ्योरी सेशन में। नेक्स्ट है, खेल में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है। तो खेल में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया है पैराफिन बाथ, कंट्रास्ट बाथ, वर्लपुल बाथ, बट ये तीनों होगा, बट सबसे महत्वपूर्ण है खेल में सूजन कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ। यदि ऑप्शन में आएगा कंट्रास्ट बाथ तो वहाँ पे कंट्रास्ट बाथ ही सही होगा, और कंट्रास्ट बाथ में ठंडा और गर्म पानी से इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल में देखा जाता है। तो दोस्तों, खिलाड़ी का डिसलोकेशन कंधे का यानी कंधे का जो अपना उसमें ह्यूमरस हड्डी कंधे में धंसा रहता है वो अपने स्थान से हट जाता है, खिसक जाता है, उसी को कहते हैं डिसलोकेशन या स्थान भंग। तो इसे सबसे ज़्यादा यह जूडो खेल में देखा जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम की जाती है तो टार्निक्वेट बैंडल से किया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह होने का कारण शरीर में क्या होता है। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये आप अच्छे से जानते भी हैं, इंसुलिन का न बनना।
इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज इंसुलिन के कारण ही जो एटीपी होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीडेशन भी होता है, जब इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह भी कहते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, यानी डायबिटीज। नेक्स्ट दोस्तों, खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास किया जाता है। तो कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, पुनर्वास तीन विधि से ही किया जाता है, करेक्टिव एक्सरसाइज एंड दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि एंड तीसरा चिकित्सा विधियाँ। तो यहाँ पे कोई उसमें से एक भी दिया रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास कैसे किया जाता है, जो खेल संबंधी चोट होते हैं तो उसमें करेक्टिव एक्सरसाइज द्वारा, जिसमें से सामान्य एंड विशिष्ट एक्सरसाइज आते हैं। नेक्स्ट है, जल के माध्यम से किया गया उपचार को कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत मैंने बताया है आपका ठंडी चिकित्सा, जल चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा, इस सबके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप थ्योरी सेशन जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खेल में लगने वाले चोटों का और उनका उपचार एवं खेल एवं संस्थान का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन दिया रहेगा आपको वो लगाना है, या तीन ऑप्शन आपका रहेगा, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि और चिकित्सा विधियाँ। तो यहाँ पे आपका चिकित्सा हो जाएगा, खेल में लगने वाले चोटों उनका उपचार एवं संस्थान का अध्ययन किया जाता है। तो खेल चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, खेल में लगने वाले चोटों का उपचार का इन सब का अध्ययन किया जाता है खेल चिकित्सा यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन में। नेक्स्ट है, शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है। तो यह स्किन फोल्ड कैलिपर यानी मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, चोटों के तुरंत उपचार वाले चार कदम वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं RICE। अब यह हो गया है PRICE, इसमें से पी से मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन यानी कि चोटिल भाग का बचाव करना, आर से मतलब होता है रेस्ट और आई से मतलब होता है आइस यानी कि बर्फ का प्रयोग करना, सी से होता है कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना, ई से होता है एलिवेशन यानी कि चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, और एक होता है यस से होता है सपोर्ट। तो यानी पहले RICE था, अब PRICES हो गया है। तो चार कदम ये जो है चोट के तुरंत बाद जो प्राथमिक उपचार विधि किया जाता है उसको RICE या PRICE भी बोला जाता है, जिसको थंब रूल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल संबंधी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जाता है दोस्तों, तो होता है मसाज। नेक्स्ट है, किन खेलों में खिलाड़ी को घूम चोट लगने का अंदेशा होता है। घूम चोट यानी कि जो कंट्यूजन होता है, घूम चोट या भीतरी चोट या उसको नीला पड़ना भी बोलते हैं, तो यह ज़्यादातर कबड्डी, कुश्ती एंड मुक्केबाजी में लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, लिगामेंट की चोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट की चोट को हम स्प्रेन यानी कि मोच कहते हैं, वहीं पे टेंडन या मांसपेशी की कुछ चोट होगा तो स्ट्रेन होगा यानी खिंचाव। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है, साधारणता खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है, तो साधारणता जो मोच होता है घुटने पर, टखने पर आती है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के घूम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रथम उपचार बर्फ की सिकाई और ठंडे पानी की सिकाई होता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक, सबसे पहले बर्फ की चिकित्सा किया जाता है, और बर्फ या ठंडे पानी की चिकित्सा को कहते हैं दोस्तों
कायिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी। तो खिलाड़ी को गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है चिकित्सा विधियाँ, यानी कि कायिक चिकित्सा जिसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट है उपचारकीय रूपात्मकता खिलाड़ी के लिए सहायक है। तो यह सहायक है आपका चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में, अचोटिल अंगों की पीड़ा कम करने में यह सहायक है। नेक्स्ट है व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है। तो दोस्तों व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसके कमी से स्कर्वी होता है। यह कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है और यह प्राकृतिक सुरक्षा का काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोटें कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जब त्वचा की चोटें रगड़ और छिलना होता है जिसे एब्रेजन कहते हैं। नेक्स्ट है डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो यह मूत्र के द्वारा किया जाता है, जब इससे ही परीक्षण नहीं हो पाता है, कुछ समस्या आती है, तब रक्त का लिया जाता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम हो सकता है। तो वह बीमारी या अपंगता के कारण अक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है उपचारकीय रूपात्मकता की विधियां हैं। तो यह है आपका विकिरण चिकित्सा और मालिश विधि। नेक्स्ट है एक पौंड मांसपेशियों के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक पौंड मांसपेशी के लिए। नेक्स्ट है चोट लगने की अधिक संभावना वाले खेल हैं। तो यह आपका मोटरसाइकिल दौड़, तलवारबाजी तथा बॉक्सिंग। नेक्स्ट है विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है। तो जाना जाता है FIMS, फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिकल स्पोर्टिव। नेक्स्ट है खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए। तो उसे सबसे पहले लिटा देना चाहिए। नेक्स्ट है गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही होता है कि उसकी इच्छा शक्ति में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ये सब आ जाता है, इससे वो खेल प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में ज़्यादातर लगती है। तो फुटबॉल में ज़्यादातर घुटने में चोट लगती है। नेक्स्ट है मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए हमेशा अहितकर होती है। मानसिक दबाव की दशा वो हितकर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाता है। तो प्राथमिक उपचार बॉक्स चोट तो कहीं भी लग सकता है, तो खेल के मैदानों में भी रखना चाहिए, जिम्नेजियम हॉल में भी रखना चाहिए, औद्योगिक संस्थानों में भी रखना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया। तो यह किया गया इंग्लैंड में। एंड फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया। तो यह किया गया 1879 में इंग्लैंड में सेंट जॉन मोरिस में। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य यही है कि जीवन को बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता एंड हालत बिगड़ने से बचाना, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है एड्स इसको इंगित करता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है खिलाड़ियों की मांसपेशियों को दुखने अथवा फूलने के कारण हैं। तो इसका कारण है तंतुओं का टूटना, मांसपेशियों के लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना, ये आपका मांसपेशियों के दुखने या फूलने का कारण है। नेक्स्ट है चोट पुनर्वास के लक्ष्य हैं। तो पुनर्वास का क्या लक्ष्य होता है। इसका लक्ष्य होता है कि चोटग्रस्त भाग का पूर्ण रूप से उपचार, चोटग्रस्त खिलाड़ी की पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी, चोट के कारण मांसपेशियों में आई कमजोरी को पुनः ताकत व शक्तिशाली बनाना, ये होता है आपका
पुनर्वास का लक्ष्य। नेक्स्ट है चोट का अर्थ है, इसका सिंपल सा अर्थ है किसी अंग का कट जाना, किसी अंग का छिलना, किसी अंग का फट जाना। नेक्स्ट है मूंछ आने के सामान्य लक्षण हैं, तो प्रभावित अंग में सूजन आ जाना, प्रभावित अंग में असहनीय पीड़ा होना, यही आपका मेन लक्षण है। नेक्स्ट है चोट से बचने का उपाय है अच्छे खेल उपकरणों का प्रयोग, खेल से पहले वार्म अप यानी कि शरीर को गर्मा लेना जिससे लचीलापन बढ़ जाता है और मांसपेशियां जो होती हैं इस शिथिल हो जाती हैं और उसमें गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे चोट नहीं लगती है और चोट लगने पर जल्दी से कोई अनहोनी नहीं होता है। और शारीरिक दक्षता का होना यानी कि फिजिकल फिटनेस होना, डेली बेसिस के वर्कआउट के द्वारा आप अपने फिजिकल फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेनम यानी स्ट्रेन को हम खिंचाव कहते हैं, यह मांसपेशी या टेंडन के अत्यधिक खिंच जाने से होती है। और स्प्रेन यानी कि जो मोच होती है वो जोड़ों पर होती है, लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने से होती है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्यूजन का अर्थ है, तो दोस्तों कॉन्ट्यूजन को हम भीतरी चोट, भीतरी घाव या नीला पड़ना बोलते हैं, तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग्स सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष व स्थान में पाया गया, तो 1960 में पाया गया, रोम ओलंपिक के सबसे पहले डोपिंग का प्रमाण मिला, जो एक साइक्लिस्ट था न्यूट जॉनसन जो रोनिकल और स्टिमुलस ले लिया था जिससे वह प्रतियोगिता के बाद उसकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों चार कदम वाले RICE नामक उपचार का प्रयोग किया प्रकार की चोटों में, किस प्रकार की चोटों में किया जाता है, तो यह आपका स्ट्रेन, स्प्रेन, कॉन्ट्यूजन, इस प्रकार की सभी चोटों में किया जाता है प्रथम उपचार के रूप में RICE नामक उपचार, जिसे RICE उपचार को थंब ऑफ रूल भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने ऑथेंटिक बुक से रिवीजन भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए डेली बेसिस पे दोनों टाइम। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।